आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गई, आप वहां पे लॉकडाउन में आप वहां पे स्टक हो गई, और हम जानना चाहेंगे कैसा रहा, क्या जी करती रही आप इस लॉकडाउन में वहां पे अकेले। काफी मुश्किल था क्योंकि 23 मंथ्स के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया में थी अपने फैमिली से दूर, और इस दौरान उनको कोविड भी हुआ, रिकवरी भी हुई, और मैं ना तो उनके साथ थी यहाँ पे, ना तो आई कुड बी देयर फॉर एनीबडी, फैमिली और फ्रेंड्स, इतने सारे क्लोज लोग खोए हैं मेरे दोस्तों ने, और इतना कुछ हो गया जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में यू वांट टू बी अराउंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, लेकिन आई वाज नॉट एबल टू बी हियर फॉर एनीबडी। 23 मंथ्स निकल गए, और रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी फैमिली से, लेकिन फिर भी वो जो व्हेन यू हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट विद योर फैमिली वो फील नहीं आता था, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक गॉड एटलीस्ट वीडियो कॉलिंग था, और थैंक्स टू दैट मैनेज हो गया, और काफी बहुत ही सैड और डिप्रेसिंग टाइम था, लेकिन बहुत कोशिश की कि मैं वो जो एक एनर्जी बन रही थी उसको मैं फोकस करके अपने काम की तरफ और अपने प्रोडक्टिविटी की तरफ उसे मैं डायरेक्ट करती थी, एंड वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव सच एन अमेजिंग हस्बैंड जो बहुत ही सपोर्ट और बहुत ही इंकरेजिंग रहे। तो चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज थे जो मैं करती गई, काफी चीजें, नई चीजें सीखी, कुकिंग सीखा, क्योंकि इन ऑस्ट्रेलिया यू डोंट हैव मेड्स एंड यू डोंट हैव कुक्स एंड ड्राइवर्स, यू आर ड्राइविंग योरसेल्फ, यू आर कुकिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, वर्किंग, एंड देन स्टिल लुकिंग गुड एंड पेइंग अटेंशन ऑन फिटनेस, सभी कर रहे हो। सो आई थिंक आई बिकेम अ लॉट मोर प्रोएक्टिव, क्योंकि पहले तो मैं बस ऐसे ही जा रही थी, 1 महीने वापस आ रही थी, 1-2 महीने फिर वापस जा रही थी, हर 1-2 महीने आना जाना था। अब कंटिन्यूस 2 साल वहां बिताना बहुत ही अलग था, तो एक जो एक रिलेशनशिप पे जो होना चाहिए काम फाउंडेशन की तरह, वो ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि नई नई शादी करके गई थी, और उसके अलावा कुकिंग सीखा, काफी कोर्सेस किए। एक सबसे बेस्ट हाईलाइट वाली बात ये थी कि इंस्टाग्राम पे एक लाइव चैट सीरीज शुरू किया जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ अ विक्टोरियस माइंड, वेर आई चैट विथ पीपल दैट आर साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोचेस, ऑथर्स, साइकोसोमैटिक गुरुज, योगीज, महागुरुज, मास्टर्स एंड ग्रैंड मास्टर्स, टू शेयर देयर विजडम, उनका ज्ञान, मतलब अपने ऑडियंसेस के साथ शेयर करना था, बिकॉज आई डिडंट वांट टू डू समथिंग दैट वाज टिपिकली बॉलीवुड एंड चैट विथ जस्ट आफ्टर फ्रेटर्निटी। मैंने कहा ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते, क्योंकि नीड ऑफ द आवर वाज वेलबींग एंड पर्सनल डेवलपमेंट, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए इस वक्त, तो उस पर फोकस किया और वो एकदम हिट हो गया, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला, आई यूज टू गेट लेटर्स, ईमेल्स, मतलब लोग अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने लगे कि सॉल्व दिस, हाउ डू वी, तो वो क्वेश्चंस में पूछा करती थी, और फिर वो जो कोर्सेस कर रही थी उसके मदद से देन आई सेट अप एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड victoriousmindpower.com जो कि अभी लाइव है। तो मेरे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव समय रहा, बहुत ही मुश्किल भी था, काफी काफी दिन ऐसे गुजरे जबकि मैं बहुत, आई हैव रियली रियली क्राइड एंड हाउल्ड एंड गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, वेयर आई हैड टू लिटरली जस्ट डू सर्टेन मेडिटेशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस व्हाट आई वाज एक्चुअली प्रीचिंग। तो यस, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अ वेरी वेरी डिफरेंट वन। तो आरती, ये जो आप बताइए, आप वहां पे मतलब रोना भी आया, रोई भी आप बहुत ज्यादा, किस वजह से रो रही थी? मतलब वहां पे बहुत लोनलीनेस फील कर रही थी, या अपने मुल्क को मिस कर रही थी, लोगों को मिस कर रही थी, मुंबई को मिस कर रही थी, आप क्या था, या वहां पे काम बहुत ज्यादा पड़ रहा था आपके ऊपर? देखिए, इट वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, मैं झूठ नहीं कहूंगी, काफी मुश्किल है टू लिव अब्रॉड बिकॉज लाइक आई सेड, आप सब खुद ही कर रहे हो, लेकिन मैं उसके लिए नहीं रो रही थी, मैं इसीलिए रो रही थी कि आई वॉज नॉट एबल टू बी विद माई फैमिली, और मैं बहुत ही अटैच्ड हूँ अपने मम्मी पापा और भाई के साथ, और जब जब ऐसे होता है, जब आप 22, 25 या 26 साल के हो, आपकी शादी हो जाती है, आप चले जाते हो, तो एक मेंटली प्रिपेयर, यू कैन गेट मोल्डेड, यू आर नॉट सो अटैच्ड, बट फॉर मी आई गॉट मैरिड वेरी लेट एट लाइक 34 और समथिंग, 35, सो फॉर मी दैट अटैचमेंट ऑफ, मैंने आई हैव नेवर स्पेंड सो मच टाइम, मैंने कभी इतना टाइम उनके उनसे दूर नहीं गुजारा है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और फीलिंग ऑफ कि ये कब खत्म होगा, वो कब आप
पाएंगे या मैं कब जा पाऊंगी. आई जस्ट वॉन्टेड टू हग देम एंड आई वॉज जस्ट वॉन्टिंग टू होल्ड देम क्लोज टू मी. एंड यू नो इस वक्त एक ग्रैटिट्यूड जैसे बहुत ज्यादा फीलिंग आने लगे कि थैंक गॉड यू नो फैमिली इज सेफ, थैंक गॉड इतनी सारी चीजें जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं वो सारी चीजें उभर के आने लगी. यू नो दैट आई हैव नॉट गिवन इनफ अप्रिसिएशन टू दीज पीपल इन माई लाइफ और टू दीज थिंग्स इन माई लाइफ. या आरती भी कहेंगे कि ये जो वैलेंटाइन जो था आपके लिए बड़ा यादगार रहा और काफी लंबे वक्त तक चला. बिल्कुल, मुझे लगा मैं एक महीने में वापस चली जाऊंगी और फिर वापस काम शुरू हो जाएगा, पैंडेमिक तो मतलब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ते गया, फिर सेकंड वेव, थर्ड वेव. और ये चॉइस था, मतलब मैं वापस आ सकती थी क्योंकि मैं हूँ इंडियन सिटीजन. तो अगर वापस आ जाती तो फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाती, फिर मैं यही होती. लेकिन फिर माई पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव कि अभी आपकी शादी हो गई है तो यू विजिट अस, ऐसे नहीं कि आप हमारे साथ रहो एंड विजिट योर हस्बैंड. तो एक वो चॉइस करना पड़ा और उसी के साथ आई वेंट. या तो आपके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? मेरे हस्बैंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ही काइंड ऑफ शटल्स बिटवीन द टू एंड इनफैक्ट इवन मॉरिशस, क्योंकि उनके पेरेंट्स मॉरिशस में हैं, उनका काम ऑस्ट्रेलिया, बेस ऑस्ट्रेलिया में है और इंडिया में भी है. तो बट ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन. तो उनके लिए आना जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के लिए बॉर्डर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ लॉक्ड थी और अगर आप निकलो तो आप 3 महीने वापस नहीं जा सकते हो. हम ये कहेंगे तो इतने दिन वहां आप रही तो सबसे ज्यादा जो मिस किया आपने, पेरेंट्स को मिस किया, उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री को कितना मिस किया आपने, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं हमेशा से, बचपने से हम बोलेंगे, आप बचपने 3 साल से जुड़ी रही हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इम्तियाज जी. बहुत मिस किया इंडस्ट्री एज इन माय वर्क, बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जो रिलेशनशिप्स बने हैं इतने स्ट्रॉन्ग ओवर द इयर्स, काफी क्लोज लोगों से फोन पे बात होती थी और सब लोग यही कहते थे कि तू बहुत लकी है, तू वहां है, वहां पे तो कोई मास्क भी नहीं पहन रहा है, उधर तो मतलब सब एक भी केस नहीं है, क्योंकि मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में थी, पर्थ में, ना कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे काफी सारे केसेस है, सिडनी, मेलबोर्न, यू नो अराउंड न्यू साउथ वेल्स एंड ऑल दैट एरिया, विक्टोरिया एंड ऑल. तो लोगों के नजरिए से मैं बहुत ही लकी थी और इतने सारे ब्यूटिफुल लोकेशन में, बीचेस, ब्यूटिफुल सनसेट्स के पिक्चर्स देख के. लेकिन यू नो हेवन इज where you believe you have your gods and you know you have your set of people. So mere liye being with family, being with parents, at least being able to meet them is heavenly for me. Being with my husband was of course fantastic because I was able to work on that relationship, but heaven is what you make of it. I mean, I really miss Bombay. Because बचपन से बॉम्बे में रही हूँ, यहाँ के रोड, यहाँ पे काम, यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे फैमिली, यहीं पे सारी चीजें हुई हैं. तो फिर वो हेवन और कहीं कैसे मिल सकता है ना. राइट राइट. तो आरती वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी आपको लोग पहचानते होंगे, आस पास लोग आते होंगे, तो वो चीज, वो फील जो है वो कैसा था, मतलब वही चीज मुंबई में भी है या इंडिया में आप कहीं भी जाती है लोग आपको आके, आपके फैंस आपको घेर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वहां पे भी लोग जो है थोड़ा सा मुंबई जैसे हैं, मिलते हैं, आएंगे, सेल्फी कराएंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे, ऐसा कुछ था वहां पे भी आपके साथ? वहां पे काफी सारे इंडियंस हैं और काफी सारा अटेंशन और अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत खुशी होती है और वो इंडियंस में एक ऐसे किस्म का यूनिटी है कि आपको मिलेंगे तो मतलब एक फैमिली जैसे हो जाता है, कहेंगे प्लीज कम होम, हैव लंच विद अस, हैव डिनर विद अस, आपकी फैमिली आपसे दूर है, हम तो फैमिली जैसे ही हैं. तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग एंड दे आर वेरी वार्म पीपल इन पर्थ. यू नो जो पर्थ के लोग है बहुत ही आई वुड से बॉम्बे जैसे है, बहुत ही कम्फर्टेबल, लाइक फैमिली. So I'm very lucky. I found really nice people over there. In fact, I made a best friend over there, जो मुझे बहुत पसंद है वहाँ पे. अभी आप जब वापस मुंबई आ गई हैं, तो यहाँ पे फिर से हालात थोड़े बिगड़ते नजर आ रहे हैं कोरोना के. तो अभी क्या इरादा है, अभी क्या प्लान है आपके?
अभी प्लान तो यही पर हूँ मैं कुछ वक्त के लिए, क्योंकि कुछ काम, आई हैव टेकन अप सम वर्क एंड अब वो शुरू होगा तो मैं यही हूँ. अगर नहीं शुरू होगा तो फिर आई विल टेक ऑफ एंड आई विल गो देयर फॉर अ व्हाइल, क्योंकि वहां पे जो काम लिया था उसका डेट आ रहा है अभी फेब्रुअरी 12th. आई एम सपोज टू बी देयर बट आई रियली डोंट नो इफ आई एम गोइंग. मैंने अभी तक टिकट्स बुक नहीं किए हैं. तो अगर यू नो अगर आपको ट्रैवल करना है इस वक्त तो एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है होम अफेयर्स को, फिर होम अफेयर्स एक्सेप्ट करती है. तो वो सारी जो चीजें हैं यू नो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रेड टेपिज्म, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि मतलब टिकट लिया चलो माय हस्बैंड्स देयर यू नो आई एम फ्लाइंग ऑफ. तो ये सारी चीजें यू नो नजर रखते हुए देखेंगे क्या सिचुएशन है और कैसे आगे बढ़ना है. आंटी आपने फिल्म भी एक शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट की थी, हमने फिल्म वो देखी थी, बड़ी प्यारी फिल्म थी और बड़ा अच्छा मैसेज था और बड़ा दिल को छूने वाली फिल्म थी वो, शॉर्ट फिल्म थी और मैंने आपको उस टाइम फोन भी किया था देखने के बाद. तो आगे भी yes, I remember. आगे भी आपको कुछ ऐसा है मतलब और भी कुछ पाइपलाइंस में ऐसे कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह? So I actually started a production in Perth called Rising Phoenix, जो कि यहाँ बॉम्बे में भी है. और वहाँ पे मैं म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट कर रही थी, कुछ एड्स डायरेक्ट किए और यू नो कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स अगर पढ़े लेकिन अगर अभी तक पसंद नहीं आए हैं तो डायरेक्शन के यू नो डायरेक्शन में आई रियली डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट. मुझे पता है कि मैं करूँगी लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है और मुझे कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे करना ही है, क्योंकि फोकस इस वक्त एक्टिंग पर है और रिलेशनशिप पर है, ये दो चीजों पर है. एंड एक्टिंग के अलावा आई ऑलरेडी हैव विक्टोरियस माइंड पावर व्हिच इज माय ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट. तो आई ऑलरेडी हैव माय हैंड्स फुल. ओके, विक्टोरियस माइंड पावर इज एन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आई काइंड ऑफ यू नो हैव माय ओन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स. Okay. I'll tell you about it. Definitely, yeah. I'd love to know about that. हम एक चीज पूछना चाहेंगे आरती, आपने 3 साल की उम्र में आपने जो काम करना शुरू कर दिया था जिस वक्त बच्चों को बहुत समझ नहीं होती है, आपने फेरेक्स गाइड किया था उस टाइम पे जी, तो आपको कुछ बचपने की यादें कुछ हैं कुछ हम अगर दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो? और लगभग जहां तक मुझको पता है आपने 300 से ज्यादा एड्स किए आपने. बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो उससे भी ज्यादा. बट हाँ, जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब तक 300 तो कर ही चुकी थी. और फिर उसके बाद फिल्मों के बाद तो वो अलग. या मेमोरीज शूटिंग एड्स, आई रिमेम्बर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड्स के मतलब सैटरडे संडे आएगा या कोई छुट्टियां आएंगी तो फिर यू नो आई विल बी एबल टू गिव माय डेट्स एंड शूट समथिंग. आई यूज़्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. मुझे बड़ा मतलब शौक था और बड़ा मजा आता था मुझे कैमरे के सामने यू नो एक्टिंग करना, ड्रामा करना, फिर अपने आप को देखना बाद में और फिर लोगों से सुनना कि मैंने देखा. सो लाइक एनी टिपिकल किड यू नो आई मीन आई वुड लव दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन. और I think it was a very natural transformation getting into films and doing, you know, films as an actor, doing music videos and all of that. It's just a very natural transformation. So, school में जब आप जाती थी, जब बच्चे थे आप, तो center of attraction रहती होंगी आप, सारे teachers, सारे बच्चे सब आपको देख रहे थे. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. और बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे और को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे. एक मतलब एक प्री कंसीव नोशन होता है ना किसी के बारे में कि ये टीवी पे आती है, इसकी मतलब इसका दिमाग बहुत चढ़ा हुआ होगा, ये नकचड़ी होगी या ऐसे कुछ. तो वो काफी लोगों को प्री कंसेप्शन भी होते हैं जो मतलब एक बार वो मेरे से मिल लेते हैं और बातें कर लेते हैं तो उन्हें पता पड़ता है अरे ये तो बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ और एकदम अपने जैसी है. एंड शी इज यू नो क्योंकि वो कभी इट नेवर वेंट टू माई हेड. अभी अगर सडनली आप एक दिन मूवी कर लो और आप स्टार बन जाओ तो हाँ वो आपके मन पे चढ़ सकता है, बट अगर आप बचपन से ऑलरेडी वो अप्रिसिएशन देख रहे हो, इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर यू. तो मुझे कभी वो यू नो इट नेवर हिट माय हेड एंड काफी एंजॉय किया लेकिन कभी उसको चढ़ने नहीं दिया दिमाग पर. जहां तक याद है आरती, फेरेक्स का जो आता था जो वो एक टीम के एक बॉक्स हुआ करता था उसके ऊपर जो बच्चों की फोटोग्राफ आती थी, तो वो कुछ बच्चों ने अभी उधर चीजें एक बार रखी कि नहीं है वो सब? बिल्कुल नहीं नहीं है. इट्स अ वेरी रस्टेड बॉक्स है फेरेक्स का.
काफी उस पे जंग चढ़ा हुआ है, लेकिन वो अभी तक रखा है शोकेस में। और जब भी कोई लोग आते हैं घर पे तो उसे देखते हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ लाना चाहिए मेरे दूसरे घर पे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरी दैट बॉक्स। या अच्छा आरती, आपको ये फिल्मी सफर कैसा रहा? मतलब उतार चढ़ाव से भरा रहा या इजली था फिल्मों में ब्रेक मिलना और आगे उसको कंटिन्यू करना? कौन सी इंडस्ट्री में कुछ हासिल करना आसान होता है, आप मुझे बताएं इम्तियाज जी। काफी बहुत रेयरली लोग कहेंगे कि अरे बहुत आसानी से मुझे मिल गया, मैं तो मतलब टॉप पे पहुंच गया। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली इट्स बिन टफ, इट्स बिन मैं स्ट्रगल तो नहीं कहूंगी, इट्स बिन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और उस लर्निंग से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि मैं जिंदगी को ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ, और मैं उस एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को भी ये ज्ञान बांट सकती हूँ। एंड दैट इज व्हाई आई हैव victoriousmindpower.com। तो इट्स नॉट बीन इजी, लेट मी पुट इट इन अ शॉर्ट वे, इट्स नॉट बीन इजी। काफी हिट्स थी, फ्लॉप्स थी, लेकिन उसके अलावा व्हाट हैपेंस बिहाइंड द हिट्स एंड फ्लॉप्स इज पब्लिक, बट बाकी जो होता है, जो पॉलिटिक्स होती हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो जो सारी चीजें होती है व्हाइल डूइंग अ फिल्म, व्हाइल इन बिटवीन फिल्म्स, मतलब जो गैप्स हो जाते हैं, टू डील विथ योर ओन इमोशंस, टू यू नो डील विथ रियली वांटिंग टू डू अ फिल्म एंड देन गेटिंग इट एंड देन फीलिंग वेरी हैप्पी एंड देन सडनली हैविंग योर रोल चॉप्ड ऑफ, और शूटिंग फॉर एन एंटायर फिल्म एंड देन सेइंग अरे आपका तो रोल है ही नहीं इसमें, कहाँ गया, शूटिंग तो किया था। या यू नो, तो ये बैड पार्ट्स है। ऑफ कोर्स गुड पार्ट्स भी बहुत थे, जहाँ पे यू नो आवारा पागल दीवाना डिड सो वेल, तुमसे अच्छा कौन है पीपल स्टिल रिमेम्बर, यू नो आई वर्क विद डेविड जी, डेविड धवन, शूट आउट एट लोखंडवाला वाज अ बिग हिट, देन देयर वाज 10 16 विद मनोज वाजपेयी, जिसके लिए हमने भी इंटरव्यू किया था। तो काफी सारे हाईज भी रही और काफी सारी लोज भी रही, लेकिन जितना लोज से सीखने मिला वो कभी कोई हाई नहीं सिखा पाया। तो वो कौन सी फिल्म थी जिसमें आपका रोल अच्छा था लेकिन चॉप कर दिया गया? रियली वॉन्ट मी टू मैं, फिर वो पॉलिटिक्स छिड़ जाएगा, फिर कोई कुछ कहेगा, फिर मैं कुछ कहूंगी, ये पुरानी बातें, मतलब गड़े मुर्दे को हम गड़ा ही रहने देते हैं। कुछ ऐसे कुछ फ्रॉड लोगों से भी सामना पड़ा होगा आपका इंडस्ट्री में, जो मतलब दिखने में तो वेरी गुडी गुडी होंगे, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल हाँ, तो उनको कैसे डील करती है? ये तो आपको पता ही होगा, आप इसलिए मुझे उधर ही छेड़ रहे हैं जहां आपको पता है। तो एक फिल्म था, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली मेरा चौथा फिल्म था, काउंटिंग द कैमियो व्हिच आई स्टार्टेड विद इन लज्जा। और उस फिल्म में मुझे डबिंग के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि मैंने पूरी शूटिंग के लिए, मैंने मतलब यू नो आई काइंड ऑफ वाज वेरी कोऑपरेटिव, और मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे थे टाइम पर, जिस टाइम पर मुझे प्रॉमिस किए गए थे, लेकिन फिर भी डबिंग के टाइम आई वाज वेटिंग कि मुझे बुलाएंगे तो एटलीस्ट, ठीक है पैसे में प्रॉब्लम हो रहा है प्रोड्यूसर को, बट एटलीस्ट एक अच्छी फिल्म आएगी, उनको यू नो रिटर्न्स आ जाएंगे, तो इट विल बी अमेजिंग। तो डबिंग भी मुझे करना था बड़े अच्छे से, डबिंग के लिए फोन ही नहीं आया, और मैंने बोला क्या हो गया, डबिंग तो की नहीं, क्योंकि अच्छा खासा मतलब रोल था, तो मालूम पड़ा कि किसी और ने डबिंग कर लिया था, वो डबिंग आर्टिस्ट भी नहीं थे, और जो रोल था उसमें आवाज थोड़ा चेंज, मॉड्यूलेशन था, एक नॉर्मल लड़की थी, एक थोड़ी यू नो इट वाज अ लिटिल डिफरेंट रोल, तो उसमें सही डबिंग करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैरेक्टर फिर उभर के नहीं आता ना, तो वो मैंने देखा तो उसमें ऐसे कुछ आवाज था, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या है, ये तो कचरा कर दिया परफॉर्मेंस का, बिकॉज योर वॉइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एन एक्टर, राइट? इट्स योर ब्रीदिंग, इट्स योर वॉइस, इट्स योर एक्सप्रेशन, इट्स योर आईज। तो ऐसे तो ये तो एक इंसिडेंट है इम्तियाज जी। और फिर मैंने पूछा भी काफी बार, पूछा मतलब काफी लोगों को पूछा, क्योंकि प्रोड्यूसर तो वाज एब्सकॉन्डिंग, पैसे भी नहीं दिए, डबिंग भी नहीं करवाया ना, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग होते थे उनसे पूछा कि भाई क्यों ऐसा क्यों किया, मतलब अब तक तो मैंने कुछ कहा नहीं मीडिया में कि मुझे पैसे नहीं मिले या मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि आई एम द वेरी, आई जस्ट आराम से मुझे करना है, आई डोंट लाइक टू हैव ऑल दिस यू नो काइंड ऑफ नेगेटिविटी।
मुझे पता पड़ा कि नहीं, उनको लगा कि आपको डबिंग के लिए बुलाएंगे तो आप पैसे मांगोगे अपने. मैंने कहा पूरी फिल्म हो गई. इनफैक्ट मुझे कुछ कहना चाहिए था और शूटिंग रोक देना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया. तो आई डोंट थिंक अब इस टाइम पर उस टाइप का बिहेवियर मैं यू नो इनकरेज करूंगी जो मैंने उस टाइम पे इनकरेज किया. आज अगर somebody is being unfair with me, तो मैं वहीं पे स्टॉप लगा दूंगी, because I wouldn't allow that to be you know extend. और but you learn with time, you learn with experiences ना. तभी मतलब मैंने जब शुरू किया तो I was what hardly 18-19. I know. और जबकि लज्जा काफी बड़ी अच्छी फिल्म थी और लोगों काफी पसंद आई थी, सब कुछ था बिल्कुल. उसके अलावा फिर और भी उससे सीखने के बाद भी, उसके बाद भी कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए और कभी आपने मना कर दिया हो, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे? ये जो इंसिडेंट था वो लज्जा में नहीं था. लज्जा तो राजकुमार संतोषी जी की फिल्म थी, वो मेरी दैट वाज माय फर्स्ट रोल एज अ कैमियो, उसके लिए मैंने डब किया, वो सब ठीक हो गया. वो कौन सी फिल्म थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी. अच्छा, आई थॉट आप लज्जा की बात कर रहे हो. उसको कहा गया हो, प्रॉमिस किया गया हो. आप बड़ा मसाला खोद रहे हैं आज, मतलब कुछ तो मिल जाए मसाला. इतने टाइम के बाद आप मिली इंटरव्यू करने के लिए. Got you, इम्तियाज जी. उफ, इतनी सारी कहानियां हैं, लेकिन अभी पोल खोलने लग जाऊंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा. नाम ना ले आप. नाम ना लू. रहने दो ना, आगे बढ़ते. छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, अब छोड़ दिया गया है. और खैर, बहुत बहुत अच्छी यादें रही आपके साथ. इंटरव्यूज मेरे बहुत अच्छे रहे, बड़े यादगार इंटरव्यूज रहे. और मुझे याद है कि जब शो डॉट लोखंडवाला के लिए इंटरव्यू करे थे, आपने बताया था कि जो तुषार का जो फर्स्ट सीन था आपका, नहीं वो फर्स्ट सीन ही था आपका तुषार का जो था इंटीमेट, वो शायद इंटीमेट सीन कोई था, और वो ना आप कंफर्टेबल थे ना तुषार कंफर्टेबल थे. मैंने ऐसा कहा? आपने कहा कि सेट पे पहुंचे तो मींस वो, और क्योंकि वो ऑलरेडी वो सीक्वेंस में आगे बढ़ चुका था, वो सीन जो था ऑलरेडी आप लोगों के उससे पहले ही बहुत सारे सीन्स थे, लेकिन वो सीन नहीं हुए थे. आपको शायद याद नहीं. आई डोंट रिमेम्बर सेइंग दैट और फीलिंग लाइक दैट आल्सो. मुझे बिल्कुल भी ऐसा ऐसी कोई मेमोरी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई इंटीमेट नहीं सीन था तुषार के साथ. जहाँ पे तुषार के साथ मतलब तुषार को फिर वो नीचे उनको इंस्पेक्टर आ जाते हैं, तुषार देखते हैं नीचे कोई है, वो इंटीमेट थोड़ी था. उसको इंटीमेसी थोड़ी कहते हैं आजकल. आजकल के टाइम में इंटीमेसी का मतलब आप जानते हैं ना, आपने तो देखा ही होगा OTT. तो वो कहाँ इंटीमेट था, वो तो कुछ भी नहीं था उसमें. नथिंग वाज जीरो. आई नो उस टाइम के हिसाब से अभी देखो तो मतलब बच्चू लगता है, कुछ नहीं था. आई नो आई नो. आरती, जो आजकल OTT पे जो चल रहा है मामला, मींस ये देखा जा रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोग सभी बिक भी रहा है, वरना तो ना बिकता ना चलता इतना. सलमान लोग, सलमान वगैरह सब बहुत अगेंस्ट रहते हैं, मतलब इस तरह कोई भी चीज उनको नहीं देखनी ना करनी है OTT पे. आप कितना मतलब सेटिस्फाइड रहती है, आप कितना देखती है, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री को क्या परोस रही है, मतलब कुछ भी परोस रही है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, मतलब हम चमकने के लिए? देखिए, हम हमारी जो सभ्यता है और जो हम यू नो जिस कल्चर से आते हैं हिंदुस्तान में, नॉट समथिंग दैट इज इंग्रेव्ड इन अस, यू नो दीस टाइप ऑफ सीन, जहाँ पे न्यूडिटी हो, जहाँ पे स्मूचिंग हो, जहाँ पे यू नो बहुत ही ज्यादा फाउल लैंग्वेज हो. और अब तक हम लोग ने अवॉइड किया था इंडस्ट्री में, राइट? और फिर भी फिल्म्स चल रही थी और अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा था, राइट? फिर आई मल्टीप्लेक्स फिल्म्स, है ना, मल्टीप्लेक्स फिल्म्स भी आई, वो भी एंजॉय किया लोगों ने. सिंगल स्क्रीन से सब लोग मल्टीप्लेक्स में शिफ्ट हो गए. फिर पैंडेमिक के साथ क्या हुआ, लोग ज्यादा घर पे फिल्में देखने लगे, राइट? तो OTT पे एक खुलास, मतलब
खुला मैदान मिल गया, मतलब नो सेंसर सर्टिफिकेट नीडेड, आपको जो बनाना है बनाओ, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक अटक गया है नेटवर्क, नहीं नहीं बिल्कुल सही है, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, नहीं, हाँ. हाँ तो एक एक मतलब एक कैसे कुरान अगर स्कूल और कॉलेज से जाता है और उसको मतलब आपको इस टाइम रहना है, घंटी बजेगी तो आपको भागना है, आपको खा जाएगा, आपको जो करना है आप करो, जो यू नो जो कहानी दिखानी जो एक्टरों से करवाना आप करो, तो क्यों नहीं करेंगे? तो ये किसी का फॉल्ट नहीं है, ये बस एक यू नो इट्स लाइक एन अडल्ट, लाइक यू ग्रोन अप नाउ, यू ग्रोन आउट ऑफ अ सर्टेन लिमिटेशन जो कि सेंसरशिप था. तो मेरे लिए कोई अच्छी चीज या बुरी चीज नहीं है, मैं कौन होती हूँ इसे जज करने? लोग एंटरटेन हो रहे हैं, लोग पैसे बना रहे हैं, इट्स अ विन विन राइट. तो आई डोंट थिंक इसमें कोई अच्छी चीज या बुरी चीज कहला जा सकता है. अगर आप पूछोगे कि क्या मुझे वो सीन्स करने में कंफर्टेबल लगता है, तो मैं कहूंगी नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं थी शादी के पहले भी और इस वक्त भी. मुझे वो रोल्स आई मीन इट्स माय चॉइस एंड आई थिंक इट गिव्स मी फ्रीडम, क्योंकि आज आज के टाइम में इफ यू कैन मेक योर ओन चॉइसेस, जहां पे आप डिसाइड कर सको कि नहीं मुझे ये करना है, मैं यही करूंगी, वो करने की मेरी जरूरत ही नहीं, मैं करूं, सो दैट मींस आई एम फ्री, अपने चॉइसेस बना पा रही हूं. अगर मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि अब मतलब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, पिक्चर करनी है मेरे को, चलो मैं ये भी कर देती हूँ वो भी कर देती हूँ, दैट मींस आई हैव नो चॉइस, सो आई एम नॉट फ्री, आई एम लिमिटेड. तो मैं अपने आप को फ्री समझती हूँ और लकी समझती हूँ कि मैं अपने चॉइसेस बना पाऊँ आज के टाइम में, और मुझे जरूरत नहीं दिखती है वो सब रोल्स करने की. अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है जिसमें ये सब सारी चीजें नहीं है, जिसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं उसे बखूबी करूंगी और बहुत अच्छे से करूंगी. इसमें कोई शर्म नहीं आती, आपने अभी तक जो भी काम किया बड़ा ग्रेसफुल काम किया, बड़ा अच्छा काम किया हम बोलेंगे, चाहे वो एड हो, चाहे म्यूजिक वीडियोस हो, चाहे फिल्म्स हो, और इसी वजह से आज भी आपके दर्शक जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको. सो स्वीट, थैंक यू. हमें ये उम्मीद है आरती कि आप आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे इंडस्ट्री में और अच्छी अच्छी फिल्म बनाएंगे, क्योंकि आपका डायरेक्शन हमने देखा बड़ा कमाल का है, भले वो शॉर्ट फिल्म थी लेकिन बड़ी प्यारी थी. तो हमें लगता है कि आप आगे और भी बहुत अच्छा कुछ इंडस्ट्री को देंगी अपने चाहने वालों को, और हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू इम्तियाज जी. एंड आई मस्ट से कि आपसे इतने साल बाद भी मिल रही हूँ, बट आप लगते हैं बहुत ही यंग एंड आई फील लाइक यू एक्चुअली नॉट एज बट यू गॉन बैकवर्ड्स, आप और यंग लग रहे हो. तो आई डोंट नो व्हाट यू आर ईटिंग और व्हाट यू आर डूइंग, कीप डूइंग दैट. And I wish you all the very best, Imtiaz ji. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इतने साल बाद. I hope, I wish you more success. Thank you so much, Aarti. और young रखने का जो है मामला है वो मेरी बेटी है, वो हर बार हमको दौड़ाए रहती है, तो उसी वजह से जो हमको जो पता on तो रहता है पापा. How old is she? She is 7 years old. Wow, she's studying. She's studying in, yeah, in first class, class first, so yeah. So, uski wajah se humko bahut zyada talk karna padta hai, yeah. Thank you so much, thank you so much. Very nice, very nice. Nice.